कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला कलेक्टर रीवा इट इलैया राजा के निर्देश पर शिव नगरी देव तालाब में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत जन सैलाब उमड़ा। वैक्सीन लगवाने लोगों में जहां उत्कंठा झलक रही थी, वहीं जो लोग घरों के लिए प्रस्थान हो रहे थे उनके चेहरों पर प्रसन्नता की झलक भी दिखाई दे रही थी। टीवी 36 हिंदुस्तान से खास बातचीत में मानसी गुप्ता ने बताया कि मैं वैक्सीनेशन सुनकर काफी उत्साहित थी, पर मेरी उम्र ही अपूर्ण होने की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करा पा रही थी, पर आज 18 वर्ष की पूर्ण उम्र पार करने के बाद टीकाकरण का लाभ ले पाई, जिससे मैं काफी उत्साहित हूँ। अन्य लोगों से भी उन्होंने अनुरोध किया। इस वैक्सीनेशन महाअभियान में रोजगार सहायक गोपाल मिश्रा, कार्यवाहक सचिव सुमन मिश्रा, ANM सरपंच देव तालाब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, नायब तहसीलदार मान सिंह आर्मो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनू शुक्ला, सेक्टर सुपरवाइजर संतोष कुमार चतुर्वेदी, शिक्षक वीरेंद्र कुमार पटेल, आशा कार्यकर्ता पुष्पा भारती सहित क्षेत्र की सभी मितानिनों एवं आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर हल्दी चावल का तिलक लगा टीकाकरण कराने उत्साहित करती दिखी, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्य से 10% ज्यादा वैक्सीनेशन कराने का एक नया रिकॉर्ड भी जिले में दर्ज कराया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव पूजन शुक्ला, वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार मिश्रा का लोगों को जागरूक करने में विशेष योगदान रहा। जी, आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ और साथ में प्रभारी सचिव भी हूँ ग्राम पंचायत देवतलाव का। ग्राम पंचायत देवतलाव में कुल जनसंख्या कितनी है, जिसमें वयस्क लोगों और अवयस्क सहित कितनी जनसंख्या है? टोटल ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5200 है। अभी तक आपका वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत हो चुका है, कितना शेष है? हमारे यहाँ 70% वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार प्रयास जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और आशा कार्यकर्ता सबके माध्यम से लगातार घर घर जाके सब चीज किया जा रहा है। शेष बचे लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूकता के और आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? घर घर जाके उनको मोटिवेशन देते हुए जो वरिष्ठ नागरिक है, जो लोग उस गांव के लगवा चुके हैं, उनको लेके जाते हैं हम लोग, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी और नायक साहब भी कई बार पटवारी लोग सबकी टीम जाती है और उनको मोटिवेशन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होते हुए वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। कुछ लोगों के मन में भ्रम भ्रांतियाँ हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उस संबंध में आपके सामने अभी तक कैसे परिणाम आए? कई लोगों का जो भी है, जो माहौल के साथ निगेटिव कई लोगों ने कहा, लेकिन उनको संतुष्ट करने के लिए कई जो वहाँ के काबिल मतलब लोग हैं, जो वहाँ के माने जाने व्यक्ति, उनसे कहलवाया जाता है कि वैक्सीनेशन एकदम सुरक्षित है, अफवाहों पे ना पड़े और हर व्यक्ति को लगवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से तीसरी लहर से बचा जा सकता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जहाँ तक है कि युवा पीढ़ी ज़्यादातर समझ रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 100 का टारगेट था, आज 109 हो गया है ग्राम पंचायत देतलाव में।